मेरे साथ सुरभि और करुणा शंकर भी हैं। और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज पर बात करेंगे तो अमेरिका यूरोप पर रूस का बड़ा अटैक सामने आया है। अंतिम यूक्रेनी जंग चाहते हैं, अंतिम तक चाहते हैं पश्चिमी देश। पश्चिम को यूक्रेनियों से कोई मतलब नहीं है। पश्चिम के लिए यूक्रेन हथियारों की एक प्रयोगशाला है। तो रूस ने बड़ा आरोप लगा दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज ने ही ये पूरा रचा है। तो आप देखिए, ये बात कही गई है रूस की तरफ से और ये कह दिया गया, बड़ा हमला बोला गया है अमेरिका से लेकर तमाम जो नेटो फोर्सेस हैं, कि जब तक अंतिम यूक्रेनी नहीं बच जाता तब तक पश्चिम चाहता है कि जंग चलती रहे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उसका मोटिव है अपनी जो हथियारों की फैक्ट्री है, जो ये पूरा ब्लॉक है इसको मजबूत करना है। तो पश्चिमी प्लान क्या है? अंतिम यूक्रेनी तक घमासान। क्या बात कही गई है सर, आप देखिए, यूक्रेन में हम सिर्फ टारगेटेड हमले कर रहे हैं, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। हमने सैन्य इस्तेमाल में लाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाए हैं ताकि जो सैन्य ताकत है उसको खत्म किया जाए। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज़ेलेंस्की अब भी शांति की भाषा बिल्कुल नहीं बोल रहे। ये बोल कौन रहा है, एक बार आप जरा यहां पर देख रही है, वैसली जो कि यूएन में रूस के राजदूत है, उनकी तरफ से बात बोली गई। आगे बढ़ते हैं। ज़ेलेंस्की हमें धमकी और अल्टीमेटम लगातार दे रहे हैं और इससे हालात और भी ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की के दुस्साहस को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और यही वजह है कि यूक्रेन बात के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। पश्चिम आखिरी यूक्रेनी के, यानी कि जब तक आखिरी यूक्रेनी नहीं बच जाता है तब तक जंग को जारी रखना चाहते हैं। पश्चिम के लिए यूक्रेन इस वक्त हथियारों को टेस्ट करने का मैदान बन गया है और साथ ही पश्चिमी देश प्रभुत्व के लिए यूक्रेनियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो बड़ी बात है ये कही गई है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हम आपको बता दें, वॉर जोन से है रूस यूक्रेन से आज का ये सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बस कुछ ही घंटों में यूक्रेन पहुंचने वाला है TV9 भारतवर्ष। संवाददाता हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह पहुंचने वाले हैं यूक्रेन। रूस के हमलों की पहली ग्राउंड रिपोर्ट होगी TV9 भारतवर्ष पर, पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से। आशीष सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बॉर्डर से, आप देखिए। अभी तो अब हम आ गए हैं पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर और यहाँ पर हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। और इस बीच जब हम कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, यूक्रेन में अलग अलग शहरों में जाकर आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसे में मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सभी पर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए हैं, यानी कि बमबारी बर्फबारी के बीच में और ज़्यादा घातक होगी। मैं आशीष सिंह, TV9 भारतवर्ष के लिए पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।